अच्छा, साथ के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी प्रश्नावली 8.1 करेंगे, जिसमें आपको संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ओके, इसमें जैसे आपको पहला दिया है, अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया है 5 रुपए का 50 पैसे से। पहला क्या दिया है आपको? 5 रुपए का 50 पैसे से, 50 पैसे से। ओके, अब आपको 5 रुपए का 50 पैसे से ज्ञात करना है, यानी आपके पास दोनों चीजें अलग हैं। यहां पर आपके पास 5 रुपए हैं, यहां पर आपके पास 50 पैसे। ओके, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा कि आपको रुपए को पैसे में बदलना होगा, क्योंकि दोनों चीजें अगर एक समान होगी तो ही आप उसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आप 5 रुपए को पैसे में बदलेंगे। तो 5 रुपए को पैसे में आप किस प्रकार से बदलेंगे? आपका होता है 1 रुपया बराबर 100 पैसे। 1 रुपया बराबर कितना होता है? 100 पैसे। ओके, तो आपके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। पहले आप 5 रुपए को 100 के साथ गुणा कर दें, ताकि आपका 5 रुपए आपका पैसे में बदल जाए। तो आपका होगा 5 रुपए बराबर 5 गुणित 100 पैसे। जब आप 5 का 100 से गुणा करते हैं तो आपका टोटल कितने बन जाते हैं? 500 पैसे। 500 पैसे। अब दोनों चीजें आपके पास पैसे में आ चुकी है। ये आपके पास 500 पैसे हैं और ये आपके पास 50 पैसे। अब आप इसका सरलतम अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, और इसका सरलतम अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? अनुपात के सवालों में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको 500 बटे 50। ओके, अगर आप 500 बटे 50 करेंगे तो आपका, या तो आप 1 शून्य से 1 शून्य काट दें, या अगर आप पूरा जानते हैं तो आप डायरेक्ट 50 से 500 को भी काट सकते हैं। तो आप 1 0 से 1 0 काटें। अब आपके पास 50 और 5 है, तो 5 करना 5, 5 धम 50, यानी कितना है आपके पास? 10 बटे 1। आपका इसका सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा? 10 अनुपात 1 बराबर 10 अनुपात 1। यह आपका पहला क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब आप इसी का सेकंड देखें। इसी के सेकंड में आपको क्या दिया है उसने? सेकंड में देखें आप, 50 केजी का 210 ग्राम से, यानी जी मतलब ग्राम होता है, केजी मतलब किलोग्राम होता है। ओके, तो आप लिखेंगे 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से, 210 ग्राम से। ओके, अब आप इसमें भी आपको वही करना है, पहले जो केजी है उसको आपको ग्राम में बदलना है। तो ग्राम में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? अपना सीधा सूत्र लगता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, है ना? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ओके, अब आपको 1 किलो की जगह वही 15 किलोग्राम लिखना है। 15 किलोग्राम बराबर 15 गुणित 1000 ग्राम, सॉरी 15 गुणित 1000 ग्राम। जब आप 15 का 1000 ग्राम से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 15000 ग्राम हो जाएगा। 15000 ग्राम। अब दोनों चीजें आपके पास फिर ग्राम में आ चुकी है। ओके, अब आप 15 किलोग्राम का लिखते 15000 ग्राम अनुपात 210 ग्राम। ओके, अब फिर आपकी वही सिचुएशन, 15000 बटे 210 ग्राम। अब आप इसको काट दें,
एक शून्य से आपने एक शून्य काट दी, तीन सात तो 21, तीनों पांच 15, अब कट रहा है नहीं कट रहा है क्योंकि ऊपर आपका सम संख्या आ चुकी है और नीचे आपका विषम संख्या है, तो कितना हो जाएगा आपका 500/7, यानी इसका सरलतम अनुपात क्या होगा आपके पास 500/7। इस प्रकार से आपको इन सवालों को कंप्लीट करना है। ओके, तो ये आपके 8 पॉइंट के पहले के 2 सवाल मैंने कराए हैं, अब 2 सवाल आप स्वयं करेंगे। अब मैं आपको इसी का सेकंड सवाल बताने जा रहा हूं, आप इसका सेकंड सवाल देखें, उसके बाद इसका सेकंड सवाल है आपका, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए, ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। ओके, अब अपने को यह ज्ञात हो चुका है कि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ओके, यानी एक विद्यार्थी के लिए कितने होने चाहिए पहले अपने को वो निकालना होगा। ओके, तो अपन लिखे चूंकि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर, ये आपका सेकंड सवाल है, चूंकि 6 विद्यार्थियों के लिए 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर है 3 कंप्यूटर, क्योंकि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर। ओके, इसलिए एक विद्यार्थी के लिए 3/6, जब हम 6 का 3 से करते हैं तो अपने पास कितने आते हैं 0.5। जैसे आप 6 का 3 में लगाते हैं ये आपका, तो आपको भाग भी जाएगा, 0 लगाएंगे आप। ओके, और 6 5 30 यानी 0.5 आ रहा है। ओके, तो एक विद्यार्थी के लिए कितने आ रहे हैं अपने पास 0.5, है ना। तो आपने कितना बात पूछा, आपने 24 विद्यार्थियों के लिए पूछा, 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सीधा सा काम। अब इसके लिए अपने करना होगा, तो 24 विद्यार्थियों के लिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितना करेंगे 3/6 × 24। ओके, तो 6 करना 6 और 6 चौक 24, 6 करना 6 6 चौक 24, 3 × 4 बराबर कितना हो गया आपके पास 3 चौक 12 कंप्यूटर। इस प्रकार से ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यही आपको 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, 24 विद्यार्थियों के लिए आपको 12 कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यानी तीसरा सवाल, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख, राजस्थान का क्षेत्रफल 300,000 किलोमीटर वर्ग और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 200,000 किलोमीटर वर्ग, ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर वर्ग कितने व्यक्ति हैं और किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। ओके, तो अपन दोनों प्रश्न के उत्तर देंगे, पहले अपन बोले पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे इसमें कि दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर वर्ग कितने व्यक्ति हैं। ओके, तो आप लिखेंगे
पहले राजस्थान का करेंगे अपन, ये तीसरे का आपका पहला सवाल जो उसने पूछा है अपने से, है ना। तो अपन लिखे राजस्थान की, राजस्थान की जनसंख्या। अब राजस्थान की जनसंख्या कितनी है आपके पास, राजस्थान की जनसंख्या है आपके पास 570 लाख, 570 लाख। ओके, अब इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल देखें आप 300,000 किलोमीटर वर्ग। ओके, तो आप यहां लिख देंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 300,000 किलोमीटर वर्ग। ओके, तो आपको इसको सीधा सा कर देना है, 570 बटे 3, 3 करना 3, 1, 2 बच रहे हैं, 3 9 27 और 0 बराबर कितना हो गया आपका 190 किलोमीटर वर्ग प्रति व्यक्ति हो गया आपका। ठीक है, तो पहले का तो ये हुआ आपका। इसके बाद अगला पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो अब आप सेकंड में उत्तर प्रदेश डाल दें, ये सेकंड। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है आपकी, 1660 लाख, 1660 लाख। ओके, और क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें 2 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है आपका, 2 लाख किलोमीटर वर्ग। तो इसका भी आपको इसी प्रकार से करना है, 1660 बटे 2, 2 से इसको काटें आप, जब 2 से आप इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 3 6 और 0 की 0 यानी 830। ओके, 830 प्रति व्यक्ति हो गया। अब इसमें आपको देखना यह है कि सेकंड सवाल पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये आपके पहले के दोनों आंसर हो गए जो उसने पूछा था, अपन चाहे तो अपन इसको पहला ही बता सकते हैं इस तरह से। ओके, इसके बाद किस राज्य की जनसंख्या कम घनी, अब किस राज्य कम घनी है ये आपको सामने स्पष्ट नजर आ जाएगा, क्योंकि जब आप 830 में से 190 को माइनस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा किसकी जनसंख्या कम है, है ना। तो किसकी जनसंख्या कम हो रही है आपकी, 830 और 190 यानी कम किसके हैं, राजस्थान की। ओके, तो आप लिख देंगे सेकंड प्रश्न का उत्तर, राजस्थान की जनसंख्या कम घनी। यहां पर आप चाहें तो माइनस भी ना करें, आप डायरेक्ट लिख दें राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है। यह आपके सेकंड प्रश्न का उत्तर हो जाए, कम घनी है। ओके, आप अगर माइनस, अगर वो पूछता कि कितनी कम है तो अपन 830 में से 190 को माइनस करके बता सकते थे कितनी कम है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, खाली ये पूछा किसकी कम है, तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि इसकी 190 आ रही है, इसकी 830 आ रही है उत्तर प्रदेश की। ओके, तो अपन इस प्रकार से 8.1 को समाप्त करेंगे। ओके, अब अगले वीडियो यानी अगली कक्षा में मैं आपको सर 8.2 को लेकर मिलूंगा, इसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। ओके।